ये लोग बहुत सर क्या है कि जाति पर भी टोकेंगे, एमएसपी पर भी स्पीकर साहब टोकेंगे, वायनाड पर यदि कोई भूकंप वाली घटना हो जाए सब, मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने जो है अच्छी बात सुनने का जो है फैसला ही नहीं किया। मोदी फोबिया से इतने ग्रसित हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि मोदी जी कृष्ण की तरह है और ये सभी कौरव सेना एक तरफ जो है और इसी तरह से ये करते हैं। मैं आपको बताऊं कि गीता का जो अठारहवें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है सर, कि उसमें कहा कि सर्वधनवानी परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं सभी कांग्रेस और विरोधी सांसदों को कहता हूं कि मोदी जी के नीतियों में समाहित हो जाओ, मोदी जी सबका विकास कर देंगे, तुम लोग भी जिंदगी भर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहोगे। मैं जो अध्यक्ष महोदय, मैं 16वीं बार रेलवे बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ। मैं 2009 में पहली बार आया था तो भी बोला था और लगातार जो है आप मुझे मौका दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और मंत्री जी को कि रेलवे आम जनता से जुड़ा हुआ इतना बड़ा विषय है जो कि गरीबों का सचमुच का साधन है। आज भी यदि ट्रांसपोर्टेशन का जो हम चर्चा करते हैं, जिस तरह के वोटर से वोट लेकर हम आते हैं, उसमें जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं या जिनके लिए चर्चा करते हैं या जिनके लिए हम वोट पाते हैं, उसमें रेलवे आज भी ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन है। गरीबों को रेल चाहिए और उस रेल बजट पर पिछली बार भी आप रात 12:30-1 बजे तक जग के खुद से, बहुत कम ऐसा अवसर मैंने देखा कि लोकसभा का अध्यक्ष वो खुद से इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, वो बैठा हुआ है। और मैं माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि ये भी कभी भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट या दूसरे मंत्री को नहीं छोड़ते हैं। माननीय मंत्री जी पूरा समय सदन में बैठकर सुने एक ही चीज। तो आप दोनों सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि सचमुच ये सदन लोकसभा गरीबों के लिए बना है और गरीबों की बातों को प्राथमिकता देते हुए उस पर डिस्कशन करता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं 2009 में जब यहाँ आया तो 2014 तक, अभी कई एक लोगों ने, यहाँ सुदामा जी बैठे हुए हैं, एक आध और कांग्रेस के लोगों को मैंने देखा, ये बात करते हैं कि रेल बजट अलग से होना चाहिए, रेल बजट को केंद्रीय बजट में क्यों शामिल कर दिया। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है माननीय मोदी जी का। यदि मोदी जी ने कोई काम, सबसे बड़ा काम किया इस देश के गरीबों के लिए, तो रेल बजट को जनरल बजट का पार्ट बना। वो कैसे बनाया कि मैं 2009 से लेकर 2014 तक लगातार इस सदन में जब भी रेल बजट होता था एक ही चीज की चर्चा होती थी कि यात्री किराए की वृद्धि होगी कि नहीं होगी। धर्मेंद्र यादव साहब के साथ जो है मैं उस वक्त सांसद, प्लेटफॉर्म टिकट पर कितना पैसा बढ़ गया, किस इलाके के लोगों को कौन सा रेल मिल गया। 2015 के बाद से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किराए की यदि बात कही हो तो आप प्रधानमंत्री जी को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने यह रिफॉर्म बड़ा किया या छोटा किया। कोई प्लेटफॉर्म टिकट की बात नहीं करता, ना किराए बढ़ने की बात करता है। इसका मतलब यह है कि पिछले नौ साल में अध्यक्ष जी किराए में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई और ये सबसे बड़ा काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी बधाई के पात्र। दूसरा बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सुनिए मणिकम टैगोर साहब जब बात करते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि इस देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा काम किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव को जोड़ने का काम किया और आज भी गरीबों को, ग्रामीणों को यदि रोड की सुविधा मिली तो उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदगी भर अजर अमर होंगे। और मैं आज आपको कह दे रहा हूं, अभी तो माननीय मोदी जी को बहुत लंबे वर्ष तक प्रधानमंत्री रहना है, लेकिन
जो अमृत भारत स्टेशन का कॉन्सेप्ट लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और जिसका नेतृत्व माननीय अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं, ये देश रेलवे स्टेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण युगों युगों तक, शताब्दियों तक माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करेगा। और जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, उसी तरह से राष्ट्रपुत्र महात्मा नरेंद्र मोदी होंगे, ये मैं आपको ये घोषणा करके बता रहा हूं। सर रेलवे ने जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसका मैं अमृत भारत स्टेशन देखा था, कभी देखा था मणिकम, आप जब से एमपी बने हो ना, मैंने पता किया, एक बार रेल से यात्रा नहीं की हो इस बार, ना 17वीं लोकसभा में दो बार यात्रा की हो, 17वीं लोकसभा में दो बार रेल देखा है आपने, और 18वीं लोकसभा में तो एक बार भी नहीं गए हो, आपको क्या पता? मैं तो बिना रेल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंच ही नहीं सकता, मुझे तो रेल जाना है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमारे जैसे पिछड़े, मैं झारखंड राज्य से आता हूं और झारखंड राज्य इस देश के रेल को चलाने में सबसे बड़ा टूल है। 35-40% जो रेवेन्यू है रेलवे का, पूरे देश के रेवेन्यू का, वो झारखंड देता है। लेकिन गोड्डा, जहां से मैं सांसद था, अध्यक्ष महोदय, 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा, और आजादी के 75 साल बाद 2022 में यदि रेल गया गोड्डा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण गया और माननीय वैष्णव जी के कारण। मैं बधाई नहीं दूं, 7,500 करोड़ इसमें मिला है। और जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जैसे पिछड़े जगह के जो सांसद होते हैं, उनको रेल इसलिए नहीं मिलता कि रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर जो अंग्रेज कानून बनाकर गए, अंग्रेज के कानून के आधार पर ही पूरी की पूरी कांग्रेस 70 साल तक रेल नहीं देती रही, क्योंकि आपके इलाके में रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि एक दिन जब मैं यहां भाषण दे रहा था, आज से 2 साल पहले, और मैंने दो बातें कही कि ये जो हम पढ़ते हैं कि मुंबई थाने पहला रेल था, ये गलत है। फैक्ट ये है कि हावड़ा से दीघा इस देश का पहला रेल लाइन था, बिल्कुल सही। वो दूसरा रेल लाइन था, जो इंजन आ रहा था, जो डब्बे आ रहे थे, वो समुद्र में डूब गए, इस कारण से वो रेल चालू नहीं हो पाया, और इसीलिए 1853 में मुंबई थाने चालू हुआ, जिसको कि पहला रेल कहते हैं। ये मैंने पहली बात कही थी। और दूसरी बात मैंने कही थी कि झारखंड जैसा राज्य आपको इतना पैसा देता है, यदि रेट ऑफ रिटर्न, आपने सब कुछ बदल दिया, आप राजा महाराजे को जितना गाली दो, यदि जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, मंत्री जी को मैंने कहा, यदि आपके राज्य में रेल है तो उसका कारण यह है कि वहां के राजा ने जो है अपने जनता के लिए किया। हम भी तो जनता की सेवा के लिए ही हैं। रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर रेल लाइन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कई एक राज्य सरकारें हैं जो पैसा नहीं देना चाहती हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए भी गया था, और उन्होंने इस देश के पूरे पॉलिसी को बदल दिया। अब कोई भी रेल लाइन रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर नहीं होती है, और उसका सबसे पहला फायदा माननीय मंत्री जी ने मुझे दिया कि गोड्डा से पीरपैंती रेल लाइन के लिए 2000 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ, सबसे पहला मैं उसका लाभार्थी। और इस कारण से आज हमारे इलाके में रेल है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग बहुत, सर क्या है कि जाति पर भी टोकेंगे, एमएसपी पर भी स्पीकर साहब टोकेंगे, वायनाड पर यदि कोई भूकंप वाली घटना हो जाए, सब मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने जो है अच्छी बात सुनने का जो है फैसला ही नहीं किया, मोदी फोबिया से इतने ग्रसित हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि मोदी जी कृष्ण की तरह है, और ये सभी कौरव सेना एक तरफ जो है और इसी तरह से ये करते हैं। मैं आपको बताऊं कि गीता का जो 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है सर, कि उसमें कहा कि सर्व धनवानी परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं सभी कांग्रेस और विरोधी सांसदों को कहता हूं कि मोदी जी के नीतियों में समाहित हो जाओ, मोदी जी सबका विकास कर देंगे, तुम लोग भी जिंदगी भर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते रहोगे। मैं जो बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि मेरा जो इलाका है वो इस देश को समझने वाला इलाका है।
यदि कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो कर्ण की जो राजधानी थी वो अंग प्रदेश हमारे यहां, समुद्र मंथन जहां चाहे वो नासिक में हो, हमारे यहां समुद्र मंथन हुआ, मंदार पहाड़, बाबा बैद्यनाथ हैं। अभी भी आप समझिए कि सोमवार के दिन जो है अध्यक्ष महोदय 8 लाख लोगों ने वहां पूजा किया, अभी सोमवार के 8 लाख लोग, इतनी भीड़ कहीं नहीं रहती। उस इलाके में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म जो है सबसे बड़ा रोजगार का साधन जो है इस दुनिया में टूरिज्म। कई एक रेल लाइन ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 100 दिन की जो कार्य योजना है उस कार्य योजना में वो कंप्लीट होगा। उसमें जो रेल लाइन है अध्यक्ष महोदय कि देवघर से वो गोड्डा होते हुए रेल लाइन पीरपैती जा रही है, जिसका एक्सटेंशन जो है विक्रमशिला का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है जो मेरा पैतृक घर है, और वहां से वो बटेश्वर स्थान में गंगा पर पुल क्रॉस करेगा, तो ये 5 बाईपास हो, वो अभी तक नहीं हुआ है, मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा कि वो हो जाएगा। दूसरा, कोयला जो है 2070 तक हमने कमिट किया है कि 2070 तक कार्बन इमिशन में कोयले को खत्म कर देना है। हमारे यहां कोयला बहुत, और गोड्डा से लेके पाकुड़ तक केवल कोयले का बड़ा भंडार, तो गोड्डा से पाकुड़ रेल लाइन भी जो है वो फंसा हुआ है, जिसमें कि कोल का जो इवैक्यूएशन है कम से कम 15 माइंस उसमें आएंगे जो इवैक्यूएशन है। और तीसरा, 2 प्लेटों को बनाकर जो है ये झारखंड बना, संथालपना और छोटा नागपुर, हमारे यहां से जो दूरी है वो 350 किलोमीटर है, क्योंकि हम लोगों को रेल से बंगाल होते हुए जाना पड़ता है। एक नया रेल लाइन जो लोग कह रहे हैं कि जसीडी जो कि अमृत भारत स्टेशन में है, ग्रेड ए का स्टेशन है, वहां से यदि चकाई होते हुए, यदि कोडरमा होते हुए हम चले जाएंगे तो हमारी दूरी जो है वो 150-170 किलोमीटर हो जाएगी, तो हम अपने आप को रांची के साथ जोड़ पाएंगे। और दूसरा, देवघर में जो वंदे भारत स्टेशन हुआ है सर, बैद्यनाथ से विश्वनाथ, ये रेलवे के पाइपलाइन में है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वनाथ धाम है वो जुड़ेगा हमारे बैद्यनाथ धाम से, इन सबों को जल्दी से चालू कर दीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई, और आप जो आम जनता के लिए काम करते हैं, भगवान आपको और माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी लंबी उम्र दे। इन्हीं दुआओं के साथ जय हिंद, जय भारत।